लोग यूके भी आओ। मैंने सबको सजेशन देके रखा, जितने भी यूके में रिश्तेदार है, कि गुल्लक बनाए, मेरे हिस्से के पैसे डाले, फोड़े, मुझे भेजे, मैं जरूर आऊंगा। तेरी बगैर तो पार्टी वावी अधूरी है ना, पर हम मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं यार ऐसे होने नहीं दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि मैं बहुत टाइम से वेडिंग अटेंड करना चाह रहा था, स्पेशली किसी कज़न की, क्योंकि जब कज़न की शादी होती है तो मज़ा ही कुछ और होता है। एंड फाइनली हमारे को एक मौका मिला, एक कज़न फाइनली मान गई है शादी करने के लिए। एंड आज का जो फंक्शन है वो है प्री वेडिंग। प्री वेडिंग इसलिए क्योंकि एक्चुअल शादी जो है वो है बाद में यूके में, तो अभी मेरे जैसे गरीबों के लिए फंक्शन रखा है जो नहीं जा सकते हैं। बट मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि आजकल प्री वेडिंग जो है वो चर्चा में है, तो हमारी अंबानी की तरह लेविश प्री वेडिंग तो नहीं है, बट वेडिंग फंक्शन तो वेडिंग फंक्शन होता है। अंबानी ने जामनगर में फंक्शन किया, हम अपने नगर में जाम से जाम लगा लेंगे, फ़र्क क्या पड़ता है। मेन होता है इन्जॉयमेंट और सेलिब्रेशन कैसे होनी चाहिए। एंड मैं और डैडी फिलहाल रेडी हो चुके हैं, हम जाके देखते हैं वहाँ के अरेंजमेंट्स। तो हम पहुँच गए जहाँ पे फंक्शन रखा है, और जो भाई होता है उसके कंधे पे बहुत जिम्मेवारी होती है, तो मैंने अपना बोझ भी रख दिया उस भाई के कंधे के ऊपर। टेंशन तो नहीं ज़्यादा? नहीं नहीं, अब बोझ इतना चढ़ा हुआ है ना, जितने मर्जी आ जाए अब कोई नहीं है, बस हौसले बुलंद हैं, पूरे हौसले बुलंद, पूरे पूरे बुलंद। मैं वही चेक कर रहा था, मेरा भाई के कंधे पे, बोलते हैं ना कि शादी के भाई के कंधे पे, अभी शादी तो चलो दूर है पर फंक्शन तो फंक्शन ही होता है, जब जिम्मेवारी की बात होती है ना तो बोझ। मैं देखो जी, समीर के जितने सरोते हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। समीर छोटा भाई है, पर भाई जब साथ खड़े होते हैं जी, उसी की बहुत वो होती है हिम्मत, भाई जितना मर्जी बोझ डाल दे, है ना। सही बात है। बाकी सो जिसकी हम प्री वेडिंग के लिए आए हैं आज, ये हमने बताया ना कि ये प्री वेडिंग है गरीब लोगों के लिए जो यूके नहीं जा सकते। तो थैंक यू फॉर दी हमारे को पार्टी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग यूके भी आओ। मैंने सबको सजेशन देके रखा, जितने भी यूके में रिश्तेदार है, कि गुल्लक बनाए, मेरे हिस्से के पैसे डाले, फोड़े, मुझे भेजे, मैं जरूर आऊंगा। तेरे बगैर तो पार्टी वावी अधूरी है ना, पर हम मैं मैनेज कर लूंगी। नहीं यार ऐसे होने नहीं दूंगा। चल कोई नहीं, मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ पे उतना इस्तेमाल कर दे जितना तू वहाँ पे कर सकता है। हाँ। और मैं उम्मीद करती हूँ तू और मेरे से इंप्रेस हो गए, तू मेरी वाले नहीं, तुझे यहाँ नहीं पड़ेगा। अपनी चीजी को कहना मुझे बुलाओ, मैं आज पूरे पीछे लग रहा हूँ, सेवा ऐसी सेवा करूंगा ना आज, जो चीजू बोलेंगे मैं वही करूंगा, जो चीजू की कहेंगे मैं वही करूंगा। क्या बताएं, इंप्रेस होकर टिकट स्पॉन्सर हो जाए, यहाँ पे कैमरा मैन होते हुए भी ना कि मैं ही फोटो खींचू, व्लॉग कौन करेगा? ये गलत बात है यार, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। हेलो निक, पंजाब से स्वागत है। ये क्या हो रहा है? फिक्सिंग हिज टाई। Yeah!
आई होप आपको हमारा ये प्री वेडिंग फंक्शन जो अंबानी की तरह लेविशिंग तो नहीं था पर एंटरटेनिंग जरूर था पसंद आया होगा. एंड वेलकम टू द फैमिली निक. ओके सो द ओनली रूल इज यू हैव टू डांस. नो नो नो. सो एज पर योर परफॉर्मेंस टुडे आप मुंबई नहीं आ सकते. ठीक है. एंड बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको रिचु बता देगी कि 32 दांत होते तो 32 ही हमेशा खिली रहनी चाहिए. You have 32 teeth, so you have to show it all the time. Okay. So welcome to the family again. And आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा, then please do like, subscribe and share. Congratulations to both of you. Thank you guys. बाकी अगर मुझे बुलाना होगा तो do call me, मैं आ जाऊँगा. Vision can. No, I'm not just sponsor. Yeah, but we will sponsor him. देखो मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगा.